जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी दिल्ली के शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन पे, और आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली के शकुर बस्ती से लेकर के फिरोजपुर कैंट तक ट्रेन नंबर 14623 पातालकोट एक्सप्रेस में, जो कि चल के आती है अपनी सिवनी जो पड़ता है अपना मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, सिवनी से चल के जाती है पंजाब के फिरोजपुर कैंट, और यहाँ तक हमारी जर्नी होने वाली है। लेकिन फिलहाल मैं इसको शकुर बस्ती से बोर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रेन के जो हॉल्ट वगैरह हैं दिल्ली पुरानी दिल्ली सराइवली वगैरह कहीं नहीं होते। ये सफदरजंग रुकती है और दिल्ली शकुर बस्ती रुकती है दिल्ली के स्टेशनों पे। तो शकुर बस्ती मेरे घर के पास था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ट्रेन में बोर्ड करने के लिए। फिलहाल अभी ट्रेन को आने में टाइम है, और अभी ट्रेन जो है आज करीब 6:30 लेट हो चुकी है। ट्रेन का टाइम था शकुर बस्ती पे सुबह में 4:15 बजे, और अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 9:30 बजे। तो अभी ट्रेन को करीब आधा घंटा आने में फिलहाल, और जो डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे दोस्तों वो करेंगे करीब 374 किलोमीटर का, जिसमें हम लोग टाइम लेंगे करीब 7.5 से 7.5 घंटे। और जो हमारा रूट रहेगा दोस्तों आज का रूट वो रहेगा शकुर बस्ती से निकलने का, हम लोग पहुँचेंगे रोहतक, रोहतक से जिंद से नरवाना से झाकल से बठिंडा होते हुए फिर हम लोग पहुँचेंगे फिरोजपुर। और हाँ, ट्रेन इतनी लेट चल रही है तो मेरी फिरोजपुर से एक कनेक्टिंग ट्रेन थी वापस बठिंडा के लिए, हो सकता है कि मैं बठिंडा पर ही उतर जाऊँ अगर मेरी ट्रेन और ज़्यादा लेट हुई तो, क्योंकि 4:30 बजे टाइम था मेरी ट्रेन का और वो 5 बजे तक पहुँच रही है फिरोजपुर, तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन अगर कवर कर लिया इस ट्रेन ने थोड़ा सा डिस्टेंस अपना, अगर 4 बजे तक मुझे फिरोजपुर पहुँचा दिया तो मैं अपनी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ लूँगा। फिलहाल देखते हैं कैसी रहती है जर्नी, और टाइम कवर कर पाती नहीं कर पाती, क्योंकि अभी ऑलरेडी 6:30 घंटे चल रही है। तो देखते हैं कैसा रहता है हरियाणा पंजाब से होता हुआ हमारा सफ़र। तो ट्रेन को आने देते हैं, ट्रेन में बोर्ड करते हैं और फिर जर्नी शुरू करते हैं। तो चलिए बनी रही मेरे साथ, जाइएगा नहीं कहीं। सो दोस्तों ट्रेन हमारी आ चुकी है और करीब करीब 7 घंटे लेट हो चुकी है। अरे हट जा, चूतिया फोन में घुसा हुआ है। हावड़ा का वेब 7 लगा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर हावड़ा के वेब 7 के साथ है। सारे जंगल डब्बे आ गए इस बारिश में। लगता सारे जंगल। चलिए दोस्तों ट्रेन में बोर्ड करते हैं यहाँ से और मिलते हैं आप लोगों से डिपार्चर के साथ, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है, डब्बा ढूंढने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों हम लोग चढ़ गए अपनी ट्रेन के अंदर, और मेरी ट्रेन पे दोस्तों पूरा रेक पोजीशन ही अलग हो जाती है, पूरी रेक उल्टी, रेक पोजीशन पूरी उल्टी हो रही थी इसलिए भाग के आया मैं अपने कोच के अंदर। चला चलिए डिपार्चर लेते हैं। निकल चुके हैं हम लोग शकुर बस्ती से 7 घंटे की देरी से। Thank you.
वॉशिंग प्लांट, ट्रेनों का वॉशिंग प्लांट जहाँ पर ट्रेन धुलती है। चलिए दोस्तों, डिपार्चर तो हो गया अपना, अब चलते हैं, बैठते हैं अपनी सीट पे और मिलते हैं आप लोगों से रोहतक पे। बीच में लांगलोई सुबहगढ़ वगैरह सब आएंगे, वो तो नहीं लूँगा, सीधे रोहतक पे मिलते हैं आप लोगों को। चलिए बने रहिए, अब जर्नी हो चुकी है शुरू अपनी। ये आगे किसान एक्सप्रेस 14723 बठिंडा से दिल्ली के बीच चलने वाली किसान एक्सप्रेस। सो दोस्तों, अपनी सीट जो है वो है अपनी साइड लोअर और साथ में है इमरजेंसी विंडो। आप लोग देख रहे होंगे इमरजेंसी विंडो है साथ में और एक रेल फैन। अगर आप एक रेल फैन हैं और आप रेल फैन की तरह से देखेंगे अगर इसको, साइड लोअर सीट और ऊपर से इमरजेंसी विंडो, तो और क्या चाहिए एक रेल फैन को। और यहाँ से बैठ करके जर्नी करने में ना अलग ही मज़ा आएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ है ना, साइड लोअर और इमरजेंसी विंडो बहुत कम मिलता है, तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि इसमें ना अलग ही मज़ा आता है। चलिए मिलते हैं। आसाम एक्सप्रेस अंडमान एक्सप्रेस, अंडमान बातचीत बात है वैसे देवी कटरा से चेन्नई के बीच चलने वाली अंडमान एक्सप्रेस। दोस्तों हम लोग पहुंचने जा रहे हैं रोहतक जंक्शन, 2 मिनट का हॉल्ट होगा हमारा यहाँ पे। पैसेंजर चुके हैं अभी रोहतक जंक्शन, और 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, लेकिन यहाँ से रूट जो है बहुत सारी जगहों के लिए निकल जाते हैं। करीब 4 या 5 जगहों के लिए यहाँ से रूट निकलती है। एक रोहतक अपना भिवानी हो गया, जिंद हो गया, गोहाना हो गया, रेवाड़ी हो गया, दिल्ली हो गया, और हांसी के लिए भी एक रूट निकल जाता है। करीब करीब 6 रूट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, और बहुत सारी जगहों यहाँ पर ट्रेन यहाँ पर रूट आगे मिलते हैं, ट्रेनें आती हैं यहाँ पर। तो चलिए 2 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ पर निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं आप लोगों से अभी जिंद पे। तो चलिए दोस्तों, रोहतक पे 2 मिनट रुकने के बाद जो है हम लोग निकल चुके हैं जिंद की तरफ। भिवानी, यहाँ से भिवानी जाकर गोहाना, पानीपत, दिल्ली, बहादुरगढ़ सभी वाली लाइन पर गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ से। 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे रूट बहुत सारे आके मिलते हैं दोस्तों।
ये रूट निकल जाता अपना शायद भिवानी की तरफ, ये वाला। तो दोस्तों अभी हमने लिया है ये चना, देखने में उबले हुए चने हैं और नींबू प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल के दी है, 20 रुपये प्लेट है। चलिए इसको खाते हैं और बाद में बताते हैं इसका टेस्ट आपको कैसा है। पूरा नमक और अच्छे से मसाला वाला डाल के दिया इसके अंदर। चलिए मैं खा के तब बताऊँगा, फिर बनते दिखा। दोस्तों हम लोग पहुँचने जा रहे हैं थोड़ी देर में जींद जंक्शन। जिंद में पिट लाइन भी है, क्या बात है। जब पैसेंजर ट्रेनें खड़ी होती हैं जिंद दिल्ली भिवानी दिल्ली बठिंडा पैसेंजर ट्रेनें सब। सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जींद जंक्शन। एक मिनट कुछ लगाया लेंस पे। हाँ दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जींद जंक्शन और यहाँ पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों यहाँ से जो लाइन निकल जाती है एक अपना निकल जाती है नरवाना की तरफ, एक अपना निकल जाती है गोहाना की तरफ, एक अपना निकल पानी की तरफ, एक निकल जाती है रोहतक की तरफ। मतलब 4 जगहों की लाइन निकलती है, यहाँ से 4 जगहों की लाइन निकलती है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या भी 4 ही है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से आगे नरवाना पे, नहीं नरवाना का अरावल लूँगा आपको मिलूंगा नहीं, आप लोगों से कोशिश करूँगा जाखल पे मिलने का। जाखल पे मैंने दोस्तों पिछली बार एक बार जर्नी करी थी तो वहाँ पे आलू के पराठे सब्जी खरीदी और बहुत बढ़िया था। तो आज मिलता है कि नहीं मिलता देखते हैं, अगर मिलता है तो आपको ट्राई करके जरूर दिखाऊंगा। चलिए बने रहिए, मिलते हैं आगे आप लोगों से। सो दोस्तों हम लोग पहुँचने जा रहे हैं नरवाना जंक्शन। नरवाना जंक्शन और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ से दोस्तों जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन निकल जाती है यहाँ से अपना कुरुक्षेत्र के लिए। हम लोग अभी जींद और जींद जाखल वाली लाइन पे था ही और यहाँ से एक लाइन जो निकल जाती है वो निकल जाती है अपना कुरुक्षेत्र, तो इसलिए जंक्शन कहा जाता है। छोटा सा स्टेशन है 3 प्लेटफॉर्म का। चलिए निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आप लोगों को जाखल पे। जाखल पे वेट कर रहा हूँ उस आलू के पराठे का, अगर मिलता है तो दिखाऊँगा आप लोग जरूर। चलिए बने रहिए मेरे साथ। Thank you.
आलू के पराठे तो नहीं मिले, मैं जैसा सोच रहा था कि जाकर पर मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था आलू के पराठे आलू की सब्ज़ी मिली थी, लेकिन अभी जो है तो आलू की सब्ज़ी और पूड़ी मिली है, और वो भी मेरा 6S6 था और मेरे को S1 के पास जाना था, मतलब आगे की तरफ 2 मिनट का और तो मैं भागते हुए गया और ट्रेन ने सिग्नल दे दिया था, मैं जल्दी से फटाफट पैसे दिए और अपने ये दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है अपना आलू और पूड़ी। तो ये मैंने S1 कोच के पास लिया था, मैं अपना S6 पे था, वहाँ भाग के गया, इसको लिया मैंने और ट्रेन खुल गई तो मैं S1 में चढ़ गया और अंदर अंदर अपने कोच में आया हूँ अभी तभी थोड़ी देर पहले। चलिए इसको मैं खाता हूँ अब और फिर बताऊँगा आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं। सो दोस्तों अभी मैंने ट्राई किया, अभी मैंने आपको जो खाना दिखाया था, मैंने आलू पूड़ी की सब्ज़ी, आलू छोले की सब्ज़ी, आलू छोले की सब्ज़ी थी और पूड़ी था साथ में, 4 पूड़ियाँ थी, 40 रुपये रेट था दोस्तों, 40 रुपये में 4 पूड़ी और सब्ज़ी आपको पेट भर खाना हो जाएगा दोस्तों। आपको झाकल जंक्शन पर लास्ट टाइम में जो मैंने ट्राई किया था वो था आलू के पराठे, इस बार पूड़ी ट्राई करी है, आलू के पराठे थे ही नहीं और दोस्तों खाने का टेस्ट बढ़िया था, नो डाउट खा लेंगे बढ़िया से आराम से, ऐसा नहीं है कि हाँ टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं, खाना टेस्ट बढ़िया बना था, सब्ज़ी अच्छी बनी हुई थी और पूड़ी भी गर्म थी। आप अगर कभी जाएंगे झाकल जंक्शन से, झाकल जंक्शन से अगर होते हुए जाएंगे कभी, तो इसका यहाँ का खाना जोड़ रहा है रेलवे स्टेशन का दोस्तों, स्टेशन का खाना ख़राब तो बहुत छोड़िएगा, खाना अच्छा था, मैं 2 बार यहाँ का खाना ट्राई कर चुका हूँ झाकल जंक्शन का और दोनों टाइम खाना यहाँ पर मुझे अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो दोस्तों हम लोग पहुँचने जा रहे हैं छोटे से स्टेशन, मानसा स्टेशन, पंजाब के अंदर पड़ता है अपना मानसा स्टेशन। दोस्तों हम लोग पहुंचने जा रहे हैं बठिंडा जंक्शन, दोस्तों बठिंडा पंजाब के बड़े शहरों में से एक है और यहां से कई सारी जगहों के लिए रूट निकल जाते हैं, एक हो गया अपना अभौर, एक हो गया कोटकपूरा, एक हो गया अपना सिरसा हिसार की तरफ, एक निकल गया अपना धूरी की तरफ, एक निकल गया अपना झाकल की तरफ। मालगाड़ी के 2 डब्बे शंटिंग होते हुए DM3A लुधियाना का, DM3A टिकड़ी लिखा होता है वैसे, हाँ टिकड़ी का ही है।
ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है बठिंडा से, तो स्पेशल कोच लगा हुआ आगे। गोरखधाम जा रही है, गोरखधाम, गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गोरखधाम जा रही है, गोरखधाम। तो ये चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बठिंडा जंक्शन और यहाँ पे हमारी ट्रेन हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं 7 घंटे लेट। शुक्र है कि दो दिल्ली में हम 7 घंटे लेट थे, वो लेट कायम है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। और मेरी ट्रेन थी एक फिरोजपुर से कनेक्टिंग दिल्ली के लिए वापस, लेकिन अब मैं उसको ले नहीं पाऊंगा, मैं उसको लूँगा बठिंडा से, क्योंकि वो ट्रेन मेरी फिरोजपुर से छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। और इस ट्रेन में दोस्तों मैं खाने पीने की जो मैंने ली थी चीज़ें वो भी बढ़िया थी, आप लोग भी स्टूड में ट्राई करिएगा फिलहाल। और ट्रेन तो दोस्तों पैसेंजर से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टॉप है इस ट्रेन के। तो फिलहाल चलिए दोबारा से आप लोगों से दोबारा किसी और जर्नी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर मुलाकात होती है आपसे।